यार ग्लव्स ही तो गरम थे। आप लोग ब्लॉग में भोले के दर्शन कर लो। हर हर महादेव। आप खींचो खींचो खींचो। अरे दारू को उतर। स्नोमैन बनाऊंगी। चाचा काम हो गया। पूरा काकना है बड़ा। हर हर महादेव। भूल गई ना। ये और है निक्कू कंगना। खतरनाक। थोड़ा वॉक करके दिखाओ। थोड़ा वॉक करके दिखाओ। हाँ ऐसे। चलो। फोन तोड़ दूंगा तुम्हारा आज। भाई मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूँ यार, ऐसे मत बोलो यार। मजा आ गया। पूरी बर्फ जम गई है। क्या पानी पी ले बंदा यहाँ पे। आ जाओ चलेगा। और ये चलती गाड़ी में भाई डीजे महक के साथ फरमाइश है हमारी निक्कू कपलर की तरफ से। लॉलीपॉप लागे लो। बजा दीजिए। मुझे पता है आज का ब्लॉग कुछ गुड नोट पे स्टार्ट नहीं हो रहा। जल्दी में मैं थोड़ी सी आज हम लोगों ने लेट कर दी। यूजुअली निक्कू भैया लेट करते हैं। हमने उनको हल्के में ले लिया। हमने सोचा फ़ोन कर दिया अभी तक उठे नहीं होंगे जैसा रोज करते हैं, लेकिन आज वो उठ गए जल्दी और तैयार होकर नीचे चले गए। मेरे बैग्स अभी पैक नहीं थे। मैं बस तैयार हुई हूँ। बैग्स मैंने सारे पैक करके बाहर निकाले हैं। बैग उठा रही हूँ और निकलती हूँ क्योंकि कल वाला हाल मुझे दोबारा नहीं चाहिए। कल हम लोगों को यहाँ स्टे करना पड़ा था। तो भाई अंत परंत यही फैसला बन रहा है कि यार देखी जाएगी, ले जाते हैं हैरियर। हैरियर कोई कम कैपेबल स्नो मोड भी है इसमें, आता है ना स्नो मोड वगैरह। रेड मोड है। हैरियर को ले जाके हम फोटो खींचेंगे। ले जाते होंगे लोग यार, ऐसे मजाक की बात है क्या? ये लोग ये इनोवा आर्टिका सब लेके जा रहे हैं। चार जगह हमें हैरियर नहीं ले जा सकते यार। टैक्सी पे जाने का ना एक वो अपने को वो रहेगा कि बेनिफिट नहीं होगा, जो वो अपने को सनरूफ नहीं मिलेगी। उसमें सनरूफ से निकल के वीडियो बनाएंगे है ना। ये और है निक्कू कंगना। अरे भाई अभी देखा मैंने तो मस्त लग रहे हो निक्कू भैया। एकदम पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। मस्त आ रही है फोटो। फोटो अभी थोड़ा सा मस्त व्यू आ रहा है। थोड़ा सा हम फोटो शूट करके फिर निकलते हैं आगे। वो हैरियर पे स्नो चैन लगा रहे हैं अभी। हैरियर पे जाना है ना पक्का? पक्का स्नो चैन लग रही है। और बोल रहे हैं आगे करो गाड़ी को, तो पहला सेल्फ स्टार्ट करके देखते हैं हैरियर को। इतनी रात पूरी रात ठंड में बर्फ में ऐसे खड़ी रही है। देख रहे हो गाड़ी से स्टार्ट हो गई। मैं स्टार्ट हो गई ना पहले सेल्फ में। अभी मैं यही बात कर रही थी। अरे यार ये सनरूफ के ऊपर ना ये कुछ कर दिया है कबूतरों ने, आके खराब कर रहे हैं माहौल। तो यहाँ पे हम लोग चेन लगा रहे हैं। फाइनली हिम्मत बनती है। हम लोग कुछ हैरियर ही लेके जा रहे हैं और ये ना आगे वाले दोनों टायर्स में लगेगी क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। मैं अभी दूसरी साइड लगने वाली है तो दिखाती हूँ कैसे लगती है। पहले इस तरह से बिछाते हैं, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट पे डाल देते हैं, फिर कहते हैं टायर घुमाओ। जा के जा 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 ओ थोड़ा बाल बाल बस। हाँ जी रसमलाई आपके लिए। अब टायर सीधा कर। हाँ इसको बोलते हैं सीधा। ये एकदम फिक्स रहती है और क्या? कहीं नहीं जाती। निकलती तो नहीं निकलती है, बीच बीच में से निकलती है। जैसे लोग वैसे चैन मिलती है लोगों को। पूरा बुन के स्टार बना दिया इन्होंने टायर के बीच में। अरे भाई यहाँ सनग्लासेस चूज हो रहे हैं। कितने का देता भैया? 100 मैं लाना भूल गई। मेरे पास ये बढ़िया है। ये खरीदे किस लिए थे? भूल गई ना। अरे निको यार एक बार चश्मा पहन के दिखाओ पूरा। अभी जब लुक मस्त आ रहा है एकदम बर्फ में। आ एक कपलर लगा के हैले की बोतल हम कल रख गए थे। हाल देखो एक बार, दिखाना दिखाना क्या हुआ है। निक्कू भैया अभी आके मेरे को कहते हैं कि पानी पी लो। मैं कहा मेरे को प्यास भी लगी है, लाओ दो। अंदर देखो पूरी बर्फ जम गई है। क्या पानी पी ले बंदा यहाँ पे। हैले का पानी नहीं पी पा रहे हैं। बढ़िया है ऐसा पानी। अच्छा पानी अच्छा है। पानी अच्छा है ना? बोलना सब अच्छा है। ऐसा पानी मैंने पिया नहीं। मैंने कभी नो चैन लग गए और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ना यार डेरी मिल्क का बड़ा शौक है। निक्कू भैया मुझे ऑफर पता क्या कहते हैं? मैरी डिल खाओगे? कहते हैं मैरी डिल के दे रहे हैं। कहते अरे वो मेरे डिल भी मिल रहा था इनके। मुझे भी दो। कल रात को इनकी वीडियो एडिट करके दी थी मैंने। भाई साहब वो रात को रील बनाया ना इनका। रात को रील बना के दिया था भाई। और भी हम खोले वरना ऐसे लोग वीडियो बना देते हैं कि और हम बिना खोले चला कैसे लेते हैं। ऐसे लोग वीडियो बना देंगे। आज गाड़ी चलाया हैवी ड्राइवर। इनको भैया हैवी ड्राइवर होंगे नहीं? मैं बिल्कुल मस्त चलाता हूँ। विश्वास है ना मेरे पे? बाद में बताऊंगा। देखो भाई अपने निकल चुके हैं। स्नो चैन बड़ा
बड़ा जंप कर रही है गाड़ी ऐसे ना आगे से खर्च 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 बड़ी जंप करके चल रही है। ये देखो भाई हम निकल गए हैं यहाँ पे गुलमर्ग के लिए और चेन्स वगैरह हमने लगवा रखी है तो ऐसे लग रहा है कि हम पत्थर गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत आवाज कर रही है पर ये जरूरी है। और ये देखो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल रोड प्लेन है, प्लेन नहीं है, अगर ध्यान से देखो ना बाहर। निको भैया हर जगह अपनी मार्केटिंग करते हैं, ये जो आवाज आ रही है निको भैया बोलते हैं गाड़ी में डंपिंग हुई होती तो आवाज नहीं आती। जितनी भी देखोगे ना टैक्सी टैक्सी है, टैक्सी टैक्सी कमर्शियल व्हीकल वाले हैं, मतलब सारे घूर रहे हैं हमें कि तुम क्या कर रहे हो भाई, ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम, गुलमर्ग अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बड़ा बुरा हाल हो रहा है और देख रहे हैं सिर्फ। और यहाँ पे ना ब्रेक गलती से ब्रेक लगा दी ना हमने, बहुत ज़ोर से स्लिप कर दी गाड़ी, ब्रेक ही तो नहीं लगानी और इतना स्लो चलाना पड़ता है, टैक्सी वाला थोड़ा तेज चला लेते हैं इनको आ जाता है। हाँ तभी तो पीछे चेन निकली हुई थी, और थोड़ा तेज चलाते ना चैन भी निकल सकती है, और यहाँ हमें चैन चुन कसनी नहीं आती, इनको तो चैन चुन सब आता है। जी एक बारी थोड़ी सी भी गलती हुई यार जान को भारी पड़ सकती है, पूरी आइस जमी हुई है। ये मस्त चीज़ होती है स्नो हो ना तो एकदम मजा आ जाए, स्नो पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ये आइस पे दिक्कत होती है भाई, आइस बहुत ख़राब होती है, ब्लैक आइस है सारी। और एक बारी ब्रेक मारी ना चेन भी टूट जाएगी और छट 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 स्लिप हो जाएंगे पूरी तरह। हमने एक व्हीकल अभी तक देखा नहीं है जो पर्सनल व्हीकल हो, सारी टैक्सीज ही टैक्सीज आ रही है यहाँ पे, अभी देखना टैक्सी वाले जा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ रिएक्शन, पब्लिक भी बोलती है। पीछे तक देख रहा है वो भाई, पीछे तक मुड़ के देख रहा है वो, देखो अपनी गाड़ी सब टोटल सब देख रहे हैं, ये देखो ये सब टैक्सी वाले टोटल हमें देख रहे हैं कि क्या कर क्या रहे हैं। ये देखो ये सब टैक्सी है, यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा प्राइवेट व्हीकल, एक टैक्सी ये टैक्सी वो देखो टैक्सी सब, मतलब वो है एक भी प्राइवेट व्हीकल। हम सारों का हाल ये हो रखा है कि हमारे पैर जम गए हैं, फील होना बंद हो गए हैं कि हमारे पास पैर हैं। ये देखो पूरे वाइट, पूरे टोटली कवर्ड वाइट चादर में पहाड़ है, इतने ब्यूटीफुल है ना। हाँ चिल्ड हवा, फाइनली हम गुलमर्ग पहुंच गए हैं और जहां देखोगे यहां पे आइस ही आइस है, आइस ही आइस है। और ये देखो यार अपनी हैरियर रेड कलर और वाइट आइस के बीच में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, सबकी वाइट गाड़ी थी हमारी सब लाल थी, मजा आ गया। निकू भैया के लिए थोड़ी सी बर्फ लेके चलते हैं भैया। रुक जाओ इसका मतलब तुम्हें बताऊंगा मैं। अरे भाई अरे प्लान कर रहा, ये तो पानी है भाई, पानी है ये बड़ा बहुत ठंडे मेरे भाई, स्नो में मैगी खा रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है, एकदम मस्त को ऐसे मैगी लग रही है स्नो में, मजा आ रहा है, चिकन से भी बढ़िया लग रही है ना, ही बोल दो ना ही। देखो कुत्ता देखो भाई, ये बर्फ में इनको ठंडी नहीं लगती है यार। अगर मेरा 100 फोटो नहीं खिंचाया, कितना 100 50 अभी तो 100 बोले, चल 50 ठीक है 50 हाँ, रील फिर फोन तोड़ दूंगा 10 रील कम से कम, नहीं तो फोन तोड़ दूंगा तुम्हारा आज, ठीक है। कितना देख लो भाई खुलेआम धमकी, मेरे को भैया लगता शरीफ है नहीं है। भाई मैं दिल के बहुत साफ आदमी हूँ यार, ऐसे मत बोलो यार निकू भाई, एक बार पूरा एक बार पूरी लाइन मार दो, ये वाली पूरा मत मानना, निकू दिल का साफ आदमी है। देखो वीडियो कॉलिंग चल रही है, थोड़ा वॉक करके दिखाओ, थोड़ा वॉक करके दिखाओ, हाँ ऐसे बिग फैन भाई, थोड़ा सा वॉक और, हाँ ऐसे, चलो एक भाई एक बार और लास्ट टाइम भाई कर दो यार, बिग फैन भाई, चलो भाई एक बार थोड़ा सा वॉक कर दो यार, भाई पोज तो दे दो इधर से पोज, हाँ ऐसे, हाँ मस्त फोटो आ रही है, इधर देखो इधर वाला पोज, हाँ हाय सही लग रहा है भाई, सही लग रहा है, देखो यार यहाँ पड़े पड़े पानी जम जाता है। भाई 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 क्या हुआ भाई,
बस यार सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन भी कम है। चलो ये वाली मस्त है। कौन सा चाहिए प्रतीक भैया? कबीर सिंह वाला। और आपको कौन सा चाहिए? दोनों वाला। ये देना भाई, ये वाला रजनीकांत वाला है। रजनीकांत वाला, कबीर सिंह वाला डॉन। ओ ये लेना है। ओ भाई साहब, ये मशीन है हवा का। देखो स्नो शूज लिए से वाच भाई। देखो भाई यार, जूता अच्छा नहीं है यार। अच्छा नहीं है फिर क्या मतलब पहनेगा? बूट ही चलता है, स्लिप दे भी कर रहा है भाई। वो स्लिप नहीं करेगा तो पूरा ग्रुप है नीचे से। देखो बिल्कुल ग्रिप नहीं है, ऐसे कोई भी देख के देना चाहिए। इसमें तो ग्रिप नहीं, मुझे पहना रहा है, मैं स्लिप कर जाऊंगा। मैं ले लूं आपके शूज? ले लूं? अच्छा नहीं लेती भाई, रोना मत, नहीं लेती। मेरे बच्चे को रुला रहे। दो मिनट लगेगा ये बीच में कहाँ फटा हुआ है कहीं मुझे बता। ये देखो ये देखना, मत लगा, ये दूसरा ले लो। तो कैसी बातें कर रहे हो? मत ले लो ये जरूर। अभी बोलने से बताओ तो मुझे बताओ। बताना बोला ना उसको। हेलो, ये तो नया है। अरे मुझे जो दिए मैंने क्या बोला? अंदर तो दूसरा ले लो। दूसरा ले लो, ये देखना। अभी बोल रहे मैं कहता हूँ, अंदर तो मैं बोला ठंडा हो रहा था, बोलेगी फटा हुआ तो तुम्हें आंटी देता। मेरा दोनों फटा हुआ था इसलिए ठंडा लग रहा था। मुंडू बोल रहा है मुझे? बड़ा भाई। अच्छा मुंडू मतलब बड़ा भाई, सॉरी मुंडू बोल रहा है। खिलाड़ी नंगे पैर बर्फ पे, नीचे तो जाके देखो भाई, बर्फ में नंगे पैर जा रहा है भाई। ये देखो खतरा खिलाड़ी। जब रात को सोएगा, बीमार पड़ेगा ना जब यहाँ से। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहे हैं? अरे भाई नॉर्मल शूज पहनो अपने, मस्त थोड़े मोटे सोल वाले, ये मत लेना फिसल जाओगे। हमने ले लिए, मैं भी फिसल के गिरा हूँ, देखो क्या हाल हो गया। इससे तो मेरे पिंक जबरदस्त गिरा हूँ, देखो भाई पूरा ठंडा ठंडा हो गया। जो मैंने पिंक शूज पहन रखे थे वो इससे फार बेटर थे। देखो पूरी पैक, जैकेट ग्लव्स शूज मास्क टोपी पूरी पैक। वैसे मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही, पर ठीक है लगे, उससे पहले मैंने खुद को कवर कर लिया। मैंने आपको बोला मर्जी इसके बराबर चले जाओ, जो मर्जी मुझे बोल देना वापस। भाई इस लाइन में जा रहे, अब डरो मत भाई। डरेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। खबरदार निकू भैया वही फंस गए, वो धक्का मार रहे खुद ही स्लैच को। वो देखो कैसे स्लैच खुद ही चला के आ रहे हैं। हेलो प्रतीक भाई, दो बार गिरा दिया, दो बार गिरा। जहां नजर डाल रहे हैं वहां सुनो, देखो बहुत बहुत सुंदर नजारा भाई, बहुत सुंदर। कई कई जगह होटल्स भी हैं, अगर वहाँ मिल जाता ना मजा आ जाता है। हाँ, जैसे रूम देख रहे नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहा है, सब पैक है। बहुत सारे होटल्स हैं वो रहे, और सब ये गुलमर्ग में सब पैक है, मतलब कोई भी होटल खाली नहीं है। हाथ पकड़ के आना चाचा, हाथ पकड़ लेना चाचा, मत करो आराम से लेके आना। डीएसपी बड़ा ठीक है बेटी, बड़ा इनसे हो गया, दो का शादी हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शादी हो गया, टेंशन मत करो। देखो यार चाचा की अभी भी हिम्मत देख रहे हो। भाई मजा आ गया भाई, चाचा मस्त है भाई, चाचा मस्त है। चाचा कह रहे हैं चाचा जवान है, अभी काम मुकाबला करेंगे जवान लोग। ये फेंसी के अंदर गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है, 18 होल गोल्फ कोर्स गुलमर्ग का। अच्छा, इसके अंदर मई जून में वो गोल्फ खेल रहे हैं। अच्छा, वो काटे देख रहे ना वो ग्रीन वाला ऊपर बड़ा, ये अगले लोग का चर्च। अच्छा चर्च, चर्च इसके अंदर वो पिक्चर बना है, दिल क्या करे काजुल, दिल क्या करे काजुल का। अच्छा, ये हो गया सूजी मंदिर। इधर गवर्नमेंट सब फैसिलिटी रखा है, गुरुद्वारा रखा है, मस्जिद रखा है, मंदिर रखा है, चर्च रखा है, अपना अपना मजहब का आता है, अपना अपना दर्शन करता है। क्या हाल करते सुभाष भाई का? चाचा एक बार पोज तो बताओ, इधर देख के पैसे पोज मारना, एक बार पोज तो बताओ तुम ऐसे करके। हाँ हाँ, चाचा का पोज देखो, आप खींचो खींचो खींचो।
कान में चले गई चाचा। चलो हो गया। अरे यार ग्लव्स ही तो गर्म थे। स्नोमैन बनाऊंगी। स्नोमैन बना रही है ये। वो देखो देखो भाई कैसे लेट रहे। वो देखो क्या कर रहे। बर्फ डाल दी चाचा। सब पे बर्फ डाल रहे। क्या बना दिया देखो। चाचा मत अरे वीडियो ही बन रहा है फोटो का। ये तो कोई आया था काला इधर हो गया सफेद। काला हो गया सफेद। सफेद बन गया। देखा देख लिया। अरे भाई साहब ऐसे लग रहा है 1 महीने जिम कर लिया मैंने। यहाँ पे नीचे और दिख रहा है वो। देख रहे हो लोग बहुत दूर दिख रहे हैं ऊपर। हमें चढ़ना है पहले। चढ़ाई करके जाएंगे फिर चाचा हमें स्लैब से उतारेंगे। हैं चाचा। हाँ। गुलमर्ग का व्यू पॉइंट पूरा मतलब सब पूरा गुलमर्ग यहाँ से दिखता पूरा। सबसे टॉप वाला पॉइंट है। हम सबसे टॉप पे अभी खड़े हैं। यही है टॉप। यही टॉप है। कुछ गरम गरम कावा। कावा है। कावा है। कैसे बनता है क्या होता है? या केसरे इलायची है दालचीनी। केसरे इलायची दाल। हाँ पूरा मसाला। थोड़ा गर्मी आ जाएगी शरीर में। हाँ इसलिए रखा ही नहीं कावा। यहाँ से जन्नत बना दिया यार। जन्नत बना दिया। 1, 2, 3 अभी हम ऊपर महादेव का मंदिर है तो हम चल के आते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या मजा आ रहा है बर्फ में सीढ़ियाँ चढ़ने में। अलग ही सुकून है भाई अभी। ओम नमः शिवाय। मंदिर है भोले का यार। मजा आ गया बर्फ में भोले बाबा दर्शन करने का। अलग ही मजा है भोले बाबा का। वो यहाँ शूट हुआ था जाजा शिव शंकर। काटा लगे ना कंकर प्याला तेरे नाम का भी। आप लोग ब्लॉग में भोले के दर्शन कर लो। हर हर महादेव। कमेंट में लिख देना यार हर हर महादेव। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से भाई। हम निकल गए वापस। अब गुलमर्ग से श्रीनगर उतरते वक्त ज़्यादा डेंजर रास्ता होता है चढ़ने से। सी अब क्या होता है भाई जब बोल दो हर हर महादेव। मस्त चल रही है गाड़ी अपने आप। जस्ट क्लियर करना है। महादेव ने पहुंचा दिया हमें तन्मर्ग। सही पहुंच गए भाई सही सलामत तन्मर्ग से। यहाँ पे सारी स्नो में। हाँ भैया बोलो। अगर हमारे घर के जैसे हमारे फैमिली में किसी को पता होगा ऐसा रोड है ना जिंदगी में ना जाने दे। आपकी फैमिली में जिंदगी में ना जाने दे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा अगर आप गया नहीं आता नहीं चलना चल ऊपर गुलमर्ग नहीं जाने देगा। घूम लिया नहीं गारंटी चीज के चाहे कितना भी कुछ कर ले। अच्छा मजा आ गया भाई गुलमर्ग जाके। बहुत मजेदार था। बेस्ट 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 था भाई। कोई भी मतलब यहाँ तन्मर्ग में आओ ना आप लोग तो भाई से नंबर देखना भाई। नाटक कर रहे हैं बीच में सिगरेट जला रहे हैं आगे सब खाली है। ऐसे सिगरेट जलाने के लिए रुके हुए देख लो भाई सही है। देखो ये ऐसे यहाँ पे नौटंकी लोग होते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। अब ये जस्ट अभी स्नो चैन उतरी और ऐसे लग रहा है हमने ना टायर पे बटर लगवा दी हो। इतनी स्मूथ हो गई है ना गाड़ी। ऐसे लग रहा बटर कट 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 करती है ना वो।
और ये चलती गाड़ी में भाई डीजे महक के साथ फरमाइश है हमारी निक्कू कपलर की तरफ से, लॉलीपॉप लागे लो, बजा दीजिए लॉलीपॉप लागे लो। अंग्रेजी बीट से, अंग्रेजी बीट से। और भाई शिकारा राइड होती है, सुभाष भाई बोले शकीरा राइड। अरे वो तो उसकी शकीरा याद आ रही है। भाई हम पहुंच गए हैं फाइनली श्रीनगर, और आज हम सोच रहे हैं हाउस बोट में स्टे करने का। एक दिन यार इसका भी एक्सपीरियंस लेने का बड़ा मन था, और अभी हाउस बोट देखने जा रहे हैं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? आरके भाई। क्या? आरके। आरके पूरा नाम तो बताओ यार। राउफ कुरु। क्या? राउफ कुरु। राउफ कुरु। भाई हम हाउस बोट दिखाने जा रहे हैं। पहले जब हम आए थे तो हमें कुछ हाउस बोट खास नहीं लगी थी, हमने तुम्हें दिखाया था फेरी लैंड वगैरह हमने देखी थी, वो कुछ खास नहीं लगी थी। तो ये बोल रहे हैं एकदम मस्त हाउस बोट, क्वीन ऑफ हेवन नाम है इसका। तो देखते हैं भाई ये वाली है शायद, कह रहे हैं उससे ज़्यादा लग्जरी है यहाँ पे ना, बार्गेनिंग बड़ी तगड़ी चलती है। और निक्कू भैया एक्सपर्ट है बार्गेन करने में, एक बार बोल दो ना निक्कू भैया बार्गेनिंग, क्या बार्गेनिंग करते हैं। जिसने हमें 6,000 रुपये का एक रूम बोला था और 2,500 में दो रूम दे रहा है। रूम में चेक इन कर लिया ऐसे, मतलब मस्त है रूम, बहुत सुंदर है इस वाली बोट का। ये पूरा लिविंग रूम है यहाँ पे, निक्कू भैया ने पूरी महफिल जमा रही, गर्मा गर्म। कैसे एकदम गर्म है ये? बिल्कुल गर्म। ये पूरा रूम ना इसने इससे एक हीटर ने गर्म कर रखा है, जबरदस्त मजा आ रहा है भाई। प्रतीक भाई बहुत मजा आ रहा है यार, निक्कू भैया यहाँ पे तो मजा आ रहा होगा, गाँव जैसा लग रहा है, दिल्ली में भी नहीं मिलता। रात में कुछ उतना खास व्यू नहीं है, खास व्यू आएगा सुबह विद अ कप ऑफ कॉफी। विद अ कप ऑफ कॉफी।